देख रहे थे क्वेश्चन, पहले देख चुके व्हाट इज हेड ऑफ फाइल, आगे आते हैं व्हाट इज मेन फंक्शन। तो मेन फंक्शन क्या है, मेन फंक्शन जनरली याद रखिए, कोई भी प्रोग्राम जो रीड करना स्टार्ट करता है, मतलब कंपाइलर जो अपना प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करना स्टार्ट करता है, वो स्टार्टिंग कहां से करता है, मेन फंक्शन से। अगर प्रोग्राम में मेन फंक्शन ना रहे तो वो प्रोग्राम रीड ही नहीं कर पाए। मतलब कोई भी प्रोग्राम को पढ़ने के लिए मस्ट फंक्शन कौन सा है, मेन। जिस तरह हम लोग किसी भी रूम में एंट्री करने के लिए गेट का जरूरत पड़ता है, उसी तरह प्रोग्राम का जो एंट्री गेट होता है वो एंट्री गेट कौन सा फंक्शन होता है, मेन फंक्शन। मतलब कहा जाए द कंपाइलर स्टार्टेड द एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोग्राम फ्रॉम द मेन फंक्शन एंड विदाउट मेन फंक्शन प्रोग्राम कैन नॉट बी रन और एग्जीक्यूट। मतलब समझ आ गया होगा, देखिए डेफिनेशन, द कंपाइलर, कंपाइलर याद है ना, जो प्रोग्राम को पढ़ता है उसे को कहते हैं कंपाइलर। स्टार्टेड द एग्जीक्यूशन, एग्जीक्यूशन मतलब रन करना, प्रोग्राम जो रीड होता है उसे को कहते हैं एग्जीक्यूशन। द कंपाइलर स्टार्टेड द एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोग्राम फ्रॉम द मेन फंक्शन एंड विदाउट मेन फंक्शन प्रोग्राम कैन नॉट बी एग्जीक्यूट और रन। प्रोग्राम को पढ़ना चालू करता है वो चालू ही कहां से करता है, मेन फंक्शन से ही चालू करता है। अगर प्रोग्राम में मेन फंक्शन ना जिक्र रहे तो वो प्रोग्राम कभी भी एग्जीक्यूट नहीं कर पाएगा। अगर किसी रूम में एंट्री करने के लिए गेट का जरूरत पड़ता है, उसी प्रकार से हर प्रोग्राम को पढ़ने के लिए किसका जरूरत पड़ता है, मेन फंक्शन। प्रोग्राम में जिस प्लेस में मेन फंक्शन रहेगा वहीं से प्रोग्राम रीड करना क्या करेगा, चालू करेगा। तो याद रखना है कि जहां मेन फंक्शन रहे वहीं से प्रोग्राम पढ़ना चालू करता है, पर यदि मेन फंक्शन ना रहे तो वो प्रोग्राम अपना रिजल्ट कभी भी कंप्यूटर पे शो नहीं करता है। आगे आते हैं, याद कीजिए मेन फंक्शन के बाद क्या लिखे थे, CLR SCR। इसको लिख भी सकते क्वेश्चन के रूप में, व्हाट इज क्लियर स्क्रीन CLR SCR। लिखते ये क्या है, इट स्टैंड्स फॉर क्लियर स्क्रीन, इट स्टैंड्स फॉर क्लियर स्क्रीन। दिस फंक्शन इज यूज्ड फॉर इरेज द प्रीवियस आउटपुट। समझो, समझा, इट स्टैंड्स फॉर क्लियर स्क्रीन। CLR SCR का पूरा नाम क्या है, क्लियर स्क्रीन। दिस फंक्शन इज यूज्ड फॉर, इस फंक्शन का प्रयोग किया जाता है इरेज, मिटाना, द प्रीवियस आउटपुट। प्रोग्राम का पुराना जो रिजल्ट आ चुका है उस रिजल्ट को मिटाना है, तो मिटाने के लिए किसका यूज करते हैं, क्लियर स्क्रीन, CLR SCR। नेक्स्ट वन देखते हैं, सीआउट क्या है, सीआउट के साथ डबल टैग ओपन की तरफ होता है। सीआउट देखते हैं, इट स्टैंड्स फॉर कंसोल आउटपुट। सीआउट का पूरा नाम क्या होता है, कंसोल आउटपुट, कंसोल आउटपुट। इट इज एन ऑब्जेक्ट, ये क्या है, ऑब्जेक्ट। इट इज यूज्ड फॉर डिस्प्ले द डेटा इन प्रोग्राम। प्रोग्राम में कभी सबसे पहले समझते हैं सीआउट, मतलब बता रहे थे सीआउट, इट स्टैंड्स फॉर कंसोल आउटपुट। सीआउट का पूरा नाम होता है कंसोल आउटपुट। सीआउट एक प्रकार का ऑब्जेक्ट, इट इज एन ऑब्जेक्ट, एक प्रकार का क्या, ऑब्जेक्ट, मल्टीपल चॉइस।
Cout एक प्रकार का क्या ऑब्जेक्ट, इट इज यूज फॉर डिस्प्ले द डेटा या फिर मैसेज इन प्रोग्राम। कंप्यूटर पे जब कभी भी किसी चीज को दिखाने का जिक्र किया जाए कि कंप्यूटर पे कोई भी चीज दिखाना हो तो समझ जाइए जहां दिखाने का बात हो वहां किसका यूज कर लिया जाए, सी आउट का। नेक्स्ट वन आते हैं सीन। ठीक है, प्रोग्राम में सीन लिखे नहीं थे मतलब समझा रहे सीन क्या होता है। सी आउट का जस्ट अपोजिट सीन होता है, ये बाहर की ओर मतलब बाहर की ओर दिखाएगा आउटपुट, ये अंदर की ओर इसका मतलब इनपुट। तो इसका पूरा नाम क्या हो जाएगा, इट स्टैंड्स फॉर कंसोल इनपुट, इट स्टैंड्स फॉर कंसोल इनपुट। इट इज एन ऑब्जेक्ट, ये भी एक प्रकार का क्या है ऑब्जेक्ट, बट इट इज यूज्ड फॉर एक्सेप्ट और इनपुट द प्रोग्राम में जब कभी भी डेटा को इनपुट की ओर करना हो, जब अंदर की ओर लाना हो तो अंदर की ओर लाने का काम कौन करता है, सीन। तो सी आउट और सीन में डिफरेंस समझ में आया, सी आउट का पूरा नाम कंसोल आउटपुट, सीन का पूरा नाम कंसोल इनपुट, दोनों एक प्रकार का ऑब्जेक्ट। जब कंप्यूटर में कभी भी किसी चीज को दिखाना हो तो दिखाने के लिए किसका प्रयोग करेंगे, सी आउट, और जब कभी भी अंदर की ओर कोई चीज लाना हो इनपुट करना हो तो इनपुट करने के लिए सीन का यूज होता है। जैसे आप गेट देखते हैं, गेट में भी दो लिखा हुआ रहता है, एक अंदर की ओर खींचे एक बाहर की ओर धकेले, तो सेम वहीं पे प्रक्रिया है इनपुट का और आउटपुट का, कंसोल इनपुट कंसोल आउटपुट। इनपुट अगर करना हो तो सीन का यूज करेंगे और आउटपुट करना हो तो सी आउट का प्रयोग करेंगे। अब आते हैं आगे, आगे देखिए सी आउट और सीन के आगे क्या था। इसके आगे हम देखते हैं इंडर, कौन सा वर्ड था इंडर, इंडर मतलब पता सबको, इट इज यूज्ड फॉर ब्रेक द लाइन और न्यू लाइन, जो एक और कमांड से भी काम करता है स्लाइस में। जब कभी भी प्रोग्राम का लाइन को तोड़ना हो, जब कभी भी प्रोग्राम का लाइन को तोड़ना हो या नया लाइन लाना हो तो किसका प्रयोग करेंगे, इंड एल का प्रयोग करेंगे। नेक्स्ट वन देखते हैं सेमी कॉलन। इन सी प्लस प्लस एवरी लाइन एंड विथ सेमी कॉलन। सी प्लस प्लस का हर एक लाइन बंद किससे होता है, सेमी कॉलन। जिस तरीका से अभी हम लोग कोई सेंटेंस लिख रहे थे तो जैसे सेंटेंस खत्म होता है वहां फुल स्टॉप लगा देते हैं कि उसका मतलब वहां समाप्त हो गया, उसी तरह प्रोग्राम का हर मीनिंग को समाप्त करने के लिए, हर लाइन का मतलब खत्म करने के लिए कौन सा चीज का यूज होता है, सेमी कॉलन। और एक लास्ट वन देखने जा रहे हैं गेट सी एच। याद है गेट सी एच क्या था, दिस फंक्शन इज यूज्ड फॉर फ्रीज द प्रोग्राम। फ्रीज मतलब जमा करके रखना, स्थिर कर। प्रोग्राम का रिजल्ट इतना जल्दी आ जाता है कि रिजल्ट देख नहीं पाते, तो उस रिजल्ट को रोक करके रखने के लिए इसका प्रयोग करते हैं गेट सी एच का। मतलब दिस फंक्शन इज यूज्ड फॉर फ्रीज द प्रोग्राम, प्रोग्राम को स्थिर करके रखने का काम कौन करता है, गेट सी एच। ये सब वो सब वर्ड था जो प्रोग्राम में लिखवाए थे और इतना ही से पूरा प्रोग्राम आप बना सकते हैं। अब हम लोग स्टार्ट करेंगे यहां से प्रोग्रामिंग का क्वेश्चन कि एक ऐसा प्रोग्राम बनाइए जिसमें दो नंबर का सम निकाले। राइट ए प्रोग्राम टू डिस्प्ले या राइट ए प्रोग्राम टू फाइंड द सम ऑफ टू नंबर, थ्री नंबर, फाइव नंबर। लेकिन उससे पहले आप लोगों को बताएंगे सी प्लस प्लस, जिनके पास लैपटॉप है लैपटॉप में सी प्लस प्लस कैसे इंस्टॉल करिएगा, कैसे प्रोग्राम लिखिएगा और कैसे प्रोग्राम रन करवाइएगा। अगर किसी के पास लैपटॉप नहीं हो
तो आप मोबाइल के एप्लीकेशन से भी, अभी आप ऑनलाइन पढ़ रहे हैं सबके पास एंड्रॉइड सेट है, आप एंड्रॉइड सेट में ही एक एप्स को डाउनलोड करिएगा और उस एप्स के थ्रू जो प्रोग्राम हम बताएंगे वो प्रोग्राम को आप चेक कर सकते हैं क्या उसका परिणाम सही आ रहा है कि गलत आ रहा है। वो भी बताएंगे कि वो रन कैसे होता है, वो आपको नेक्स्ट क्लास के वीडियो में वही समझाएंगे कि कैसे मोबाइल में जो कोड हम बताएंगे उस कोड को रन करवा पाइएगा। तो नेक्स्ट क्लास में देखेंगे प्रोग्राम और प्रोग्राम के साथ उसका एग्जीक्यूशन कि वो रन कैसे हो।